चलिए हम आपको दृश्य दर्शाने लेकर चल रहे हैं भिवंडी शहर में ईगल कंपनी जो कि काम कर रही है सड़कों की जो ड्रेनेज का काम कर रही है उसकी एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। हम आपको जो दृश्य देख रहे हैं ये पोखलन है जो कि सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से ना होने के कारण यह पोखलन खोदी गई गड्ढे में जा गिरी और हालात ऐसे रहे कि दोनों तरफ भिवंडी शहर में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये अयप्पा मंदिर के ठीक सामने जो काम चल रहा है वहाँ पर नगर सेवक सुमित पाटिल वहाँ पर दौरा करने पहुँचे और खास करके हालात वहाँ के देखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईगल कंपनी की यह बड़ी लापरवाही इनके काम में भी लापरवाही है और जिस तरीके से यह पोखलन गिरा है भिवंडी शहरवासी खास करके दोनों सड़कें जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रही है ये एक सबसे बड़ी एक इनकी लापरवाही सामने आई है। हम आपको लेकर चलते हैं दृश्य दर्शाने के लिए वहाँ पर ईगल कंपनी का जो यह काम चल रहा है वो किस तरीके से निचले स्तर से काम किया जा रहा है इसका एक दृश्य आपको सामने देखने को मिल रहा है। लेकर चलते हैं आपको पूरा का पूरा उनके लापरवाही का एक दृश्य दर्शाने के लिए। देखिए मुझे लगता है कहाँ ना कहाँ ये ईगल इंफ्रा का लापरवाही है जो मेरे प्रभाग में खुद काम चल रहा है। खुद काम के दौरान यहाँ पे जमीन धंसने से पोखलन का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ बड़ी दुर्घटना होने से बची। मुझे लगता है पोखलन ऑपरेटर को भी कुछ लगा नहीं और यहाँ पे जो घटना हुई है लोगों को भी किसी को भी यहाँ पे किसी को इंजरी नहीं हुई। भगवान की दुआ से आज यहाँ पे ये दुर्दैवी दुर्घटना है। मैं इसका निषेध करता हूँ। ईगल इंफ्रा का जो काम है एक नंबर का घटिया काम ऐसा मुझे लग रहा है और आयुक्त महोदय पुलिस प्रशासन ने इसकी जल्द से जल्द दखल अंदाजी लेनी चाहिए। सर इनकी जो काम करने की शैली है आप देख रहे हैं इसके लिए क्या कहेंगे? काम करने की शैली जो है इधर न किधर गलतियाँ हो रही है ईगल की, इसके लिए तो ये हादसे हो रहे हैं। हादसे गलतियों की वजह से ही हादसे होते हैं लेकिन खुदा ना खास्ता किसी का जीवित हानि नहीं हुआ। इसके लिए मैं ईगल इंफ्रा को ही इसका जिम्मेदारी मैं